उत्तराखंड के डोईवाला जिले के खेरी गांव में न्यू एरा चिल्ड्रंस एकेडमी नाम से एलकेजी से हाई स्कूल तक सन 2021 से स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 60 बच्चे अध्ययनरत हैं। इन्हीं छात्रों में दो छात्राएं हाई स्कूल में हैं। बता दें कि आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, और जब ये छात्राएं परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने पहुंची तो स्कूल प्रशासन प्रवेश पत्र देने के लिए आनाकानी करने लगा। ऐसे में स्कूल प्रशासन पर अभिभावकों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई। आपको बता दें कि अभिभावकों का आरोप है कि बिना मान्यता के ही स्कूल का संचालन किया जा रहा है और स्कूल प्रबंधक की बड़ी लापरवाही की वजह से उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधक ममतोस गैरोला ने बताया कि उन्होंने स्कूल के सभी दस्तावेज शिक्षा मंत्री को दिए हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी मंजू भारती ने भी बताया कि उक्त स्कूल की कोई मान्यता शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दी गई है और जल्द ही स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। 9th से एडमिशन करवाया था हमने और प्रॉपर यहाँ से 9th के एनआरओ पेपर लिए, उसके बाद 10th क्लास में इन्होंने आगे एडमिशन लिया। प्रॉपर पढ़ाई चल रही थी। अब लास्ट टाइम पे जब बोर्ड के पेपर की जब टाइम पे आया तो इन्होंने मात्र हमारे पास ये हफ्ते भर पहले कह रहे हैं कि बच्चे की कोई अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, आप हमें इसका मेडिकल ला के दीजिए। तो उसके लिए मेडिकल के लिए मैंने प्रॉपर कोशिश की, एक मेडिकल में बनवा के भी लेके आया लेकिन स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। और उसके बाद मैंने मेडिकल के लिए कई जगह पे मैंने ट्राई किया, हर हॉस्पिटल में गया लेकिन हर जगह हर हॉस्पिटल में मेरे को यही बोला कि हम बैकडेट का मेडिकल दे के हमने फंसना नहीं है। तो इन्होंने जो पेरेंट्स को बताया हुआ था, ये बताया हुआ था कि ये हाई स्कूल तक एफिलेटेड है, इनके पास एफिलेशन नहीं है। मेरी खुद इनसे बात हुई, इन्होंने बोला कि उत्तराखंड बोर्ड से इनका एफिलेशन है। इनका अगर एफिलेशन होता तो क्या बच्चा, मतलब बोर्ड इतना ज़्यादा लापरवाह है कि दो बच्चों के भविष्य के साथ वो खेलेगा? इनके पास एफिलेशन नहीं है। नंबर दो बात, जब भी पेरेंट्स इनसे पूछने आए तो इन्होंने ये जवाब दिया कि आपके बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है। अटेंडेंस पूरी नहीं है तो इन्हें जब बच्चा नहीं आ रहा था इन्हें उस वक्त बताना चाहिए था। इन्होंने यूँ बताया पेरेंट्स को कि आप बैक डेट में जाकर मेडिकल बनवा के लाइए किसी सरकारी हॉस्पिटल से। मैं ये बात है, ये इतना गंभीर आरोप है कि बच्चे ने 9th यहाँ से करी है, 10th यहाँ से करी है और अब जब 10th के एग्जाम थे तो पता लगता है कि स्कूल की एफिलेशन ही नहीं है। यदि अब हमारा बच्चा अगर दोबारा से एडमिशन लेता है तो वो दोबारा से 9th में लेगा, 10th में लेगा, तो हमारे बच्चे के तो 4 साल खराब हो गए। प्रवेश पत्र नहीं आए थे और मैंने बोर्ड को लिखा था कि मेरे उनके बच्चे के दो प्रवेश पत्र आपने वो किए हैं, होल्ड किए हैं, मेरे प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाए। मुझे प्रवेश पत्र के लिए मुझे जो चीज़ें मांगी गई थी मैंने पेरेंट्स से वो चीज़ें मांगी। पेरेंट्स ने मुझे उसमें क्या किया कि 28 जुलाई की जगह 28 अगस्त का मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दिया और उसमें जो बाद में लेके आए उसमें हस्तक्षेप करके दिया है। नहीं, यहाँ पे कोई 10th क्लास की कोई मान्यता उसको नहीं दी गई है। यहाँ से इस तरह का मेरे संज्ञान में नहीं है। मान्यता विभागीय जांच बिल्कुल होगी, अगर हमारे पास शिकायत आती है तो उसकी जांच तो होगी होगी, नोटिस दिया जाएगा और गलत तरीके से चलाने के लिए उसको जो भी विभाग दंड निर्धारित किया जाएगा वो भी दिया जाएगा।